दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, लगातार जो उम्मीदवारों की मांग है कि जेई मेंस के अंदर थर्ड अटैम्प्ट भी देना चाहिए NTA को, कहीं ना कहीं दोस्तों जो मांगे हैं वो क्या पूरी होंगी, या NTA जिस तरह के इस बार सवाल के घेराव में है, क्या वो इन घेराव से निकल पाएगा, और निकल पाएगा तो किस तरह से निकलेगा, ये भी एक सवाल है। क्या उम्मीदवारों को मांगों को पूरा करते हुए निकलेगा, या वो अपने फैसले पे ही अड़ा रहेगा, चाहे वो उसके अंदर कितनी भी बड़ी टेक्निकल इशू आए, चाहे वो लाइट की आए, चाहे वो सर्वर की आए, जो भी आए, उन चीज़ों को लेकर क्या वो उम्मीदवारों को थर्ड अटैम्प्ट करने की जो मांग है, क्या उस मांग पर वो आएगा या नहीं आएगा, ये एक सवाल बनता है। साथ ही दोस्तों, आखिर किसी न किसी कारण जो भी गलतियाँ हुई, क्या वो उम्मीदवारों द्वारा तो नहीं की गई, या उनके सेंटरों पर एक बड़ा हंगामा तो नहीं हुआ, और दोस्तों अगर वो चीज़ हुआ भी है तो वो NTA के गलती के मुताबिक ही हुआ है, क्योंकि किसी का अगर एग्ज़ाम के समय कुछ एरर आएगा और उस एरर में अगर टाइम लगता है तो उस उम्मीदवारों को उतने टाइम और बढ़ा कर देना चाहिए कि वो उम्मीदवारों को जो उनकी टाइम वेस्ट हुई है वो यहाँ पर टाइम की उन्हें गेन होए और वो अपनी एग्ज़ाम को और एक बढ़िया होप से दे सकें। पर दोस्तों NTA ने कुछ नहीं किया, और दोस्तों थर्ड अटैम्प्ट को लेकर उम्मीदवारों ने कैंडल मार्च किया, और लगातार कल भी कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाला गया, और अभी भी आप अगर रिसेंटली देखते हैं तो लगातार ट्विटर के अंदर NTA से मांग की जा रही है कि थर्ड अटैम्प्ट इसके अंदर होना चाहिए। पर दोस्तों NTA आप सभी के पत्रों के, आप सभी के RTI को लगातार सलकिर की तरह घुमा रहा है और उम्मीदवारों को जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों उम्मीदवारों की मांग है जेई एडवांस से पहले यहाँ पर जो है जेई मेंस की थर्ड अटैम्प्ट होनी चाहिए। और दोस्तों होगी या नहीं होगी तो दोस्तों इस वीडियो में क्लियर कर दूं, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि NTA जो है अब थर्ड अटैम्प्ट किसी भी कंडीशन में जेई मेंस के उम्मीदवारों के लिए नहीं लेने वाला है। पर दोस्तों वहां पर एक एक्सपेक्टेड अनुभव के साथ बताया गया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पर दोस्तों अभी तक फाइनली डिसीजन ना आने के कारण आप यह कह सकते हैं कि NTA किसी भी कंडीशन में जो आप सभी की मांगे हैं वो यहाँ पर तो पूरी करने की बहुत ही कम चांसेस लग रही हैं, क्योंकि लगातार जो एडवांस की जो डेट है वो आ चुकी हैं, और थर्ड अटैम्प्ट को लेकर NTA के द्वारा या किसी ऑफिसरों द्वारा भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रहा है। तो जिसको लेकर आप यह सोच सकते हैं कि थर्ड अटैम्प्ट को बिल्कुल ही उन उम्मीदवारों को NTA द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, तो यह आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए ये अपडेट निकल कर आ रही थी, हमारे पास इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी सबसे पहले आप तक शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।